आर्य समाज और मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारी लाल शर्मा नीलम शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पौडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अब है एक अवस्था, एक तो है आत्म स्थिति जो साधारण लोगों की होती है, मध्यम श्रेणी के लोगों की होती है, एक होती है आत्म अवस्था। आत्म अवस्था क्या होती है? जब आत्मा जो है वो आत्म ज्ञान के मार्ग पर पहुंच चुकी होती है, जब उसे आत्म ज्ञान हो जाता है तो आत्म अवस्था की श्रेणी आती है। ये उच्चतम योगियों की श्रेणी है। आत्म अवस्था जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, वो चाहे कहीं भी रहेंगे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मार्ग में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, उनकी आत्म स्थिति बिगड़ने वाली नहीं है, लोभ नहीं आएगा कभी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उन्हें क्रोध आ गया है या उन्हें लोभ आ गया है, स्वार्थ आ गया है। मन सदैव शुद्ध है, आत्मा सदैव पवित्र है, भाव सदैव पवित्र है, वासनाओं से हृदय मुक्त हो चुका और पूर्णतया मुक्त हो चुका है, वहां से वापसी नहीं होने वाली। आत्म अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं वो समझे कि परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था है जो अनंत की अवस्था है, आत्म उपलब्धि की अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था है, पवित्रता की अवस्था है। वहां से जीव नीचे नहीं जाता है, वो अपनी अवस्था पर टिका रहता है। ऐसी जो आत्म अवस्था है, योग कहता है जब तक उस आत्म अवस्था को आप प्राप्त नहीं करेंगे आपका जीवन जो है वो डावाडोल ही रहेगा, स्थिति तो बदलती रहती है। ये वर्ष जो जा रहा है, जो 2023 आज खत्म हो जाएगा और कल से पुनः 2024 कैलेंडर ईयर शुरू हो जाएगा, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप एक जो कैलेंडर बीत रहा है उसका एक कैलेंडर बना लीजिए कि हमने क्या किया और आगे क्या करना है। कुछ चीजें रह गई जो हम करना चाहते थे, कुछ अवस्थाएं ऐसी रहती हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं, हम नहीं कार्य कर पाते, और उनको एक शेड्यूल बना लीजिए कि आने वाले वर्ष में हम इस कार्य को करेंगे और कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा कार्य तो ये हो रहा है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में जो अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना दिवस है, सबसे बड़ा कार्य तो वही है। हम तो इसी बात से बड़े हर्षोल्लास हैं कि हम जो नया साल ये लगातार ही बनाते रहेंगे, पहले 1 जनवरी को, फिर 22 जनवरी को, फिर चैत्र मास की प्रतिपदा शुक्ल जो हमारे आएंगे, हमारे तो नव वर्ष हिंदू संस्कृति के हिसाब से अभी शुरू हो गए हैं, चलते रहेंगे। हाँ, ये कैलेंडर ईयर विशेष रूप से आज अवश्य खत्म हो जाएगा। तो आप, मेरी सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप ऐसे ही आर्य समाज जाते जाते रहा करें। इतनी भीषण सर्दी में भी आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपका मैं इस आर्य समाज मंच से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परमात्मा का ध्यान करते हुए आज आप सभी ने मिलकर के हमारे आज के मुख्य यजमान मेरे बड़े भाई अयला शर्मा जी, भाभी जी, जिनका जन्मदिन था परसों, आज उन्होंने इस पवित्र पावन यज्ञ वेदी पर बैठ करके बड़ी श्रद्धा के साथ जो होतियां पर पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा जो इसमें यज्ञ में होतियां प्रदान की है, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना की कि इदनवम की भावना से यज्ञ किया है उन्होंने, ये मेरा नहीं, सब परमात्मा तेरा तेरा है, हम तो तेरे पुत्र पुत्रियां बैठ के तेरा गुणगान कर रहे हैं,
तेरा इसको ओम का झंडा का ऊंचा बुलंद कर रहे हैं, ये किसका है? परम पिता परमात्मा के द्वारा। हम भी परम पिता परमात्मा के हैं, वो है तो हम है, हमारी आत्मा है तो हम है। ये तो क्या है उसके बाद? अभी आचार्य जी कितने सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। हमारा समय जो है कई बार विचार करता हूँ अलंगन हो जाता है, लेकिन जब ऐसे महानुभाव ऐसे विद्वान एक उच्च कोटि के विद्वान वेदों के ज्ञाता है ये आचार्य सुशील जी, ये तो 40-50 मिनट का बहुत कम है।